जी काम लागा तो ना साइड में कर दे दिखा जी सर एक साइड फिर छोड़ दे क्योंकि सामने की बाकी फोटो लेनी है हमारी बैठ जाओ यार बैठ जाओ बैठो नीचे बैठो मीडिया मां आ जा मैं मीडिया बोला मां आ जा मीडिया मीडिया बोला तो काम करेगा मीडिया लगले साइड करो तो थोड़ा सा विकास के नाम है सही राम जी थोड़ा लाइन में खड़ा करते हैं हाँ बस बिल्कुल बेगम आपको बताती हैं अंत्येष्टि का बस गेट है वहाँ पर है यहाँ पर तकरीबन 5 शहीद प्रतिमाएं लगी हुई है उन्हीं के सामने शहीद तमाम जनप्रतिनिधि है करेंगे श्रद्धांजलि देंगे और कोसाना के लाडले की वीर गाथाओं को हमेशा याद रखा जाएगा ये लाइव तस्वीरें थोड़ी देर बाद यहाँ पर जनपद साइड में तस्वीरों के माध्यम से पहली सम्मानित कर रहे हैं राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह डूडा को सम्मान सैनिकों के साथ आते हुए श्रद्धांजलि करेंगे श्रद्धांजलि देंगे के सम्मान में ये अंत्येष्टि जो पार्क है वहाँ पर पुष्पांजलि कार्यक्रम चल रहा है मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा श्रद्धांजलि देते हुए अब इनके बाद सांसद नरेंद्र खिच्चड़ हैं वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे पूरा कोसाना गांव में दीपोत्सव पर गम का माहौल है लेकिन ये ठक्कर का भी अनुभव है यहाँ पर तमाम जो जनप्रतिनिधि मौजूद अरे भाई थोड़ा सा आते हैं सुनो सब पीछे चलते हैं सर को सर थोड़ा सा स्मारक है वहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है इस कार्यक्रम के बाद यहाँ पर उनकी सह सम्मान राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी सांसद नरेंद्र खिच्चड़ सलामी देते हुए अंतिम विदाइया और वो घर चल रहा है अब इनके बाद जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि पूरे विधायक मौजूद हैं उसके बाद जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कोड़ी हैं वो पुष्प चक्र अर्पित करेंगे यहाँ पर देख रहे हैं वो नमन करने के लिए आ रहे हैं पीछे कर दो भाई आगे नहीं आगे जा रहे यहाँ पर पुष्प चक्र अर्पित कर रहे हैं इनके बाद SP मर्दुल कछावा वो यहाँ पर नमन करने के लिए आएंगे तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिला प्रशासन सैनिक मौजूद हैं जो सम्मान में आए हुए हैं वो भी उनको सलामी देंगे अब
एचपी मजदूर तनख्वाह है वो उनको कुछ चक्कर अर्पित करेंगे शहीद पार्थिव देह पर। चले गए थे पत्रकार की जगह करी थे 10 फुट जगह नहीं करी साल दस साल का भाव। आज रोहिताज खेरवा ने पोषाड़ा के लाडले ने जो व्यक्त किया है वो हमेशा युगो युगो तक याद किया जाएगा। ये तस्वीर एसपी मधुल कछावा की जो सलाम कर रहे हैं शहीद की शहादत को। अब इनके बाद उदयपुर वाटी के पूर्व विधायक शुभकर्ण चौधरी वो पुष्प चक्र अर्पित करेंगे। यहाँ पर सुबह से ही तिरंगा यात्रा आयोजित की जा रही थी, हजारों लोग यहाँ पर मौजूद थे। जय ध्वज का नारा भी यहाँ पर लग रहा है, शहीद रोहिताज खेरवा अमर रहे। अब ये तस्वीर पूर्व विधायक अतिरिक्त जिला कलेक्टर अतिरिक्त जिला कलेक्टर।